आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आबकारी विभाग की टीम ने 110 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 3000 किलोग्राम लहन किया नष्ट। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत मंगलवार को आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी और आबकारी निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की। आबकारी टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र के चक्रा अव्वल महेवा कटान पर दबिश देकर 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही 3000 किलोग्राम लहन भी नष्ट किया, साथ ही 12 भट्टियां भी तोड़ी। इस मौके पर टीम ने दो के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। थाना राजघाट के अंतर्गत जो है मुरतानी का क्षेत्र है महेवा कटान के पास, जहां पे जो दबिश की कार्रवाई हुई है। कुल 110 लीटर जो है अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ है, 3000 किलोग्राम के आसपास लहन नष्ट किया गया है। दो लोग के विरुद्ध जो है श्रीमती पत्नी रविंद्र और बेचन पुत्र गुलाब, दो लोग के विरुद्ध जो है अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अस्पताल पहुंचा मुर्तजा अब्बासी, बुधवार को होगा हाथों का ऑपरेशन। मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मुर्तजा का चेकअप किया। बता दें कि घटना वाले दिन मुर्तजा का हाथ टूट गया था, जिस पर प्लास्टर लगा था, अब उसका ऑपरेशन किया जाएगा। इस संबंध में चिकित्सकों का कहना है कि मुर्तजा इस समय ठीक है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके हाथों का ऑपरेशन बुधवार को किया जाएगा। मुर्तजा का जो हाथ फ्रैक्चर हुआ है उसका ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन के पूरे जो शारीरिक परीक्षण होता है उसको किया गया है। फिलहाल सब कुछ सामान्य मिला है और ब्लड का रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट यदि संतोषजनक रहेगा तो उनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो इसके क्या फायदे हैं? सामान्य है, ऑपरेशन तब तक होने की उम्मीद है। कल ऑपरेशन होने की कल होगा, कल मॉर्निंग में ऑपरेशन होना है। कल मॉर्निंग में ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं, अगर सब कुछ संतोषजनक रहा तो कल। यूपी की बलिया पुलिस ने परिवहन विभाग के 37 ट्रकों को किया सीज, 18 लाख रुपए राजस्व की हुई वसूली। यूपी के बलिया में पुलिस, खनन और परिवहन विभाग ने अवैध रूप से परिवहन करके ले जा रहे लाल बालू लदे 37 ट्रक को अभियान चलाकर सीज कर दिया है। वहीं इस संयुक्त टीम के अभियान में 18 लाख रुपए राजस्व वसूल किया गया है। ट्रक मालिक का कहना है कि परिवहन विभाग ने वैध रूप से आ रही ट्रकों को सीज किया है, जबकि अवैध रूप से आ रही ओवरलोड ट्रकों को भगा दिया। यूपी बिहार के बॉर्डर के जयप्रभा सेतु पर कतार में खड़ी ये ट्रकें अवैध लाल बालू के परिवहन करने की रोज की तरह निकली थीं, मगर तस्वीरें आज बदल गईं। जिम्मेदार अधिकारियों को मंगलवार को कार्रवाई करने का आदेश मिला, लिहाजा सभी गाड़ियों को एसडीएम और सीओ खनन अधिकारी आरटीओ की संयुक्त टीम ने अपने शिकंजे में ले लिया है। अवैध बालू के खनन और परिवहन के इस पूरे मामले में ट्रक मालिक की माने तो परिवहन विभाग ने वैध रूप से आ रही ट्रकों को सीज किया है, जबकि अवैध रूप से आ रही ओवरलोड ट्रकों को भगा दिया है। अवैध लाल बालू के परिवहन के इस मामले में आरटीओ की माने तो पिछले शनिवार को जब ये शिकायत आने लगी कि लाल बालू का परिवहन अवैध ढंग से हो रहा है, मौके पर पुलिस ने बैरियर लगाए और लगभग 37 गाड़ियां सीज की गईं, जिसमें 32 ट्रैक्टर और 5 अन्य वाहन भी शामिल हैं। इस कार्रवाई से लगभग 18 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। जी, आपका पूरा नाम और परिचय? सुनील तिवारी। हाँ। मैं ट्रक मालिक हूँ। कितनी ट्रकें चलती हैं आपको? 4। ट्रक से क्या क्या ढुलवाई कराते हैं? बालू ढुलवाई कराते हैं, कोयला ढुलवाई कराते हैं। जी, इस समय क्या ट्रक वालों में क्यों अफरा तफरी मची है? वो जो माझी
नाव द्वारा बालू आ रहा था अवैध, उस बालू को पत्रकारों द्वारा रोका गया तो प्रशासन की कमाई वहाँ बंद होने के कगार पे चली गई, बंद नहीं हुई, बंद होने के कगार पे चली गई। इसलिए उसी से तड़फड़ा करके ये लोग वैध गाड़ियों को और रोकना शुरू कर दिए और PTS बलिया के द्वारा दो नंबर की गाड़ियों को, जिसके पास चलान नहीं था, ओवरलोड थी, जिससे महीना लिया जा रहा है, उस गाड़ियों को बिहार की तरफ भगवा दिया और सारी ओरिजिनल गाड़ियों को, कागज की गाड़ी परमिट वाली गाड़ियों को पकड़ करके बंद कर दिया गया। क्या अवैध क्यों भगाया PTS नहीं लोग? महीना लेता है। कैसा महीना? वो चलने के लिए महीना लेता है, ओवरलोड चलवाने के लिए। आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले शनिवार को जब ये शिकायत आने लगी कि लाल बालू का परिवहन अवैध ढंग से हो रहा है, उनका भंडारण हो रहा है, इस पर हम लोग को मार्गदर्शन मिला और हम लोगों को आदेशित किया गया कि आप वहाँ पर मौके पर पहुँच के वहाँ पर कार्रवाई करें। तो हमारी परिवहन विभाग की टीम, जिसमें हमारे यात्री कर अधिकारी RP गौतम साहब थे, मैं था, खान अधिकारी वहाँ पे गए थे, SDM साहब थे, CO साहब थे, वहाँ पे जाके मौके पर हम लोगों ने बैरियर लगाए। जितना भी अवैध परिवहन या ओवरलोड गाड़ी, हमको परिवहन विभाग ओवरलोडिंग पे चूँकि कार्रवाई करेगा तो हमने ओवरलोडिंग पे कार्रवाई की। हमने लगभग 37 गाड़ियाँ सीज की, जिसमें 32 ट्रकें हैं और 5 ट्रैक्टर हैं। उस रात और भी थाना कोतवाली में पुलिस के द्वारा तमाम ट्रैक्टर सीज किए गए। SDM साहब के द्वारा और खान अधिकारी के द्वारा जगह जगह जो भंडारण था अवैध तरीके का, जिसको लोग साबित नहीं कर पाए, उनको सीज किया गया। इस पर प्रॉपर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, एक अच्छा संदेश गया, लोग डरे। और मैं पिछले दिन से देख रहा हूँ, कल मैं पूरी रात वहाँ पे बैरिया के पास था और कल दिन की भी मैं बात बता रहा हूँ, जो भी ट्रक पे बालू का परिवहन हो रहा है वो डाला के बराबर हो रहा है, अपनी सीमा के अंदर वो आ रहे हैं और इससे लगभग हमको 18 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर, प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध, कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। 3 पत्रकारों की रिहाई को लेकर पत्रकारों ने खून से लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। UP बोर्ड के पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 3 पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर बलिया जनपद में संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने खून से पत्र लिखकर PM मोदी से 3 पत्रकारों की रिहाई की मांग की है। आपको बता दें कि विगत 12 दिनों से संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी धरनारत हैं और उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा देश के चौथे स्तंभ को निस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरह से ये पूरी आपके हम पूरे भारत के सराहने का काम करेंगे। आज अपने खून से प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है और पत्र लिख के गुहार लगाई है कि प्रदेश में, देश में चौथे स्तंभ पर लगातार हमले हो रहे हैं, चौथे स्तंभ को समाप्त करने की रणनीति पर नौकरशाही काम कर रही है। तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री जी का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह लोकतंत्र के सारे स्तंभों की रक्षा करे और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को अपने खून से चिट्ठी लिख के गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री जी देश में चौथे स्तंभ की रक्षा कीजिए और बलिया के भ्रष्ट DM और SP को निलंबित कीजिए तथा इस DM और SP ने जो हमारे 3 बेगुनाह साथी हैं जिनको जेल के अंदर 30 मार्च से ही बंद कर रखा है, उनको बाइज्जत बरी कराइए। 84 महासभा द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 84 महासभा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर के शाहपुर इलाके में स्थित एक लॉन में किया गया। इस मौके पर 84 समाज के उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो खेल, शिक्षा सहित अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान कर रहे हैं। इस संबंध में समाज के लोगों का कहना है कि हमारा प्रयास है कि अन्य समाज की तरह हमारे बच्चे भी समाज के आगे आएं।
के विचारधारा को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं, तो हम जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे। राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, तो राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए देखिए पार्टी बनाना बहुत जरूरी होता है। ये कोई बात नहीं है, जब भी समाज एकजुट रहेगा तो पार्टियां मजबूर होकर हमारे समाज के पीछे आएंगी और अपनी बात हम लोग आसानी से मनवा लेंगे और आगे देखते रहिए, हम लोग बहुत आगे जाएंगे, हमारा समाज अपना हक ले लेगा और भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में और भी हमको अपना जो हमारा अधिकार है, जो हमारी मांग है, जो हमारी भागीदारी है वो सुनिश्चित कराएगी। गोरखपुर के आरकन्या इंटर कॉलेज में अभिनंदन व विदाई समारोह का किया गया आयोजन। गोरखपुर के आरकन्या इंटर कॉलेज में मंगलवार को अभिनंदन व विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं का कहना है कि जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें ये सोचना होगा कि हम वरिष्ठ हो गए हैं न कि बूढ़े। एमपीपी आर्कन्या इंटर कॉलेज का यह शिक्षक कक्ष यह है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसका मरना निश्चित है, जो सेवा में आया है उसका सेवानिवृत्त होना निश्चित है। सोच में अंतर होना चाहिए कि हम वरिष्ठ हो गए, हम बुजुर्ग नहीं हुए, बुढ़ापे का असर नहीं वरिष्ठता का, सीनियरिटी का, इसीलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन शब्द दिया है। आने वाले दिनों में भी जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होंगे या हो चुके हैं उनसे आज की तारीख में मेरा निवेदन है कि अपने ऊपर बुढ़ापे का असर नहीं सीनियर सिटीजन होने का गौरव होना चाहिए। और सीनियर सिटीजन जिस तरह से युवा पीढ़ी के साथ निर्देश नहीं उनके भावनाओं के साथ आत्मसात करता है और भार की वस्तु नहीं सहयोग की वस्तु बनता है। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता गोरखपुर, डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध, डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच इलाज की सुविधाएं उपलब्ध, न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं, डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551-7960130। जिलाधिकारी ने तय किया शिक्षकों संघ बैठक में उनकी गुणवत्ता की होगी निगरानी। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज के विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी के अध्यापकों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान नई शिक्षा नीति के बारे में बताते हुए कहा कि इसकी 4-4 टीमें गठित करके सभी बच्चों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने कहा कि जिलाधिकारी ने हमारे राजकीय विद्यालय और एडेड विद्यालय हैं उसमें एक एक टीम बनाई गई है जो सभी शिक्षकों की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। जिलाधिकारी महोदय ने आज हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं और एडेड विद्यालय हमारे हैं उनमें एक टीम बनाई है जो गुणवत्ता पर ध्यान रखेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में और उसके बाद में कंप्यूटर के बारे में और चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से जो बच्चों में अच्छी गुणवत्ता है पढ़ाई के संबंध में इसमें डिस्कस किया गया और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए हमको उसके अनुसार हम लोग सब लोग मिलकर शिक्षा विभाग के जो माध्यमिक शिक्षा विभाग हैं सब मिलकर उसका प्रयास करेंगे और जो जिलाधिकारी महोदय ने हमको निर्देश दिए हैं कि अच्छी गुणवत्ता देना बच्चों को वो दी जाएगी। हाँ, नई शिक्षा नीति में जो भी है लर्निंग आउटकम के बारे में उसके जो भी पॉइंट हैं उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों को लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे उससे आगे हम चलेंगे।
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा 67वें रेल सप्ताह के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा 67वें रेल सप्ताह के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन रेलवे के प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक रेलवे अनुपम शर्मा मौजूद रहे। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान बनारस, इज्जतनगर और लखनऊ डिवीज़न में रेल के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 15 अधिकारियों और 85 कर्मचारियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रेलवे महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा कि जो लोग भी पुरस्कृत हुए हैं उनको बधाई। वैसे तो रेलवे में कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान किया है, लेकिन एक साथ सभी को पुरस्कृत करना मुश्किल है। आगे भी वो सम्मानित हो सकते हैं। अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर हम अपने समर्पित एवं निष्ठावान रेल कर्मियों को पुरस्कृत कर सम्मानित करते हैं, जिनके प्रयासों एवं उत्कृष्ट कार्यों से रेलवे की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है तथा रेल संरक्षा के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। इस पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कृत होने वाले सभी रेल कर्मियों को मेरी हार्दिक बधाई। रेलवे में निष्ठावान एवं समर्पित कार्यशैली वाले रेल कर्मियों की कमी नहीं है, लेकिन पुरस्कारों की संख्या सीमित होने के कारण सभी को इस एक साथ सम्मानित करना संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। प्राइवेट बस और बोलेरो की आमने सामने टक्कर में 6 की मौत, 4 घायल। देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्र में सोमवार की देर रात हुए भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा प्राइवेट बस और बोलेरो की आमने सामने टक्कर से हुआ। बस गोरखपुर से यात्रियों को लेकर आ ही रही थी, जबकि बोलेरो में कुशीनगर से तिलक लेकर आए लोग बैठे थे। चीख पुकार से घटना स्थल दहल उठा। आनन फानन में घायलों को CSC और गौरी बाजार पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को देवरिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतकों में 5 बोलेरो सवार और 1 बस यात्री शामिल हैं। कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के कोहड़ा गांव के रविंद्र तिवारी की बेटी के तिलक रुद्रपुर के रैश्री गाँव में इंद्र दुबे के घर आई थी। सोमवार की रात तिलक समारोह के बाद बोलेरो से सभी कुशीनगर लौट रहे थे। रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग पर इंदुपुर काली मंदिर के सामने गोरखपुर से आ रही तेज गति से प्राइवेट बस से बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद बस भी पलट गई। हादसे में बोलेरो में सवार राम प्रकाश सिंह 65 वर्षीय पुत्र अयोध्या, विशिष्ट सिंह 45 वर्ष पुत्र फौजदार सिंह निवासी कोहड़ा कसिया कुशीनगर और अंकुर पांडे 18 वर्ष पुत्र देवदत्त पांडे निवासी साढ़े थाना कसिया समेत 5 लोगों के अलावा बस में सवार एक यात्री रामानंद 35 वर्ष निवासी रामपुर कारखाना देवरिया की दबकर मौत हो गई। बोलेरो सवार 2 मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये गौरी बाजार से रुद्रपुर वाली रोड पर जो है एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक अनुबंधित बस और एक बोलेरो के बीच में टक्कर हुई है। और जो अब तक हमारे पास सूचनाएं कंफर्म हैं, उसमें 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। जिला अस्पताल में भी कुछ घायल आए हैं, जिनको हम लोग रेफर भी कर रहे हैं। और इसमें इस घटना में जो प्रभावित परिवार हैं, उसके लिए हम लोग और सहायता वगैरह उपलब्ध कराएंगे। वजह क्या बताया जा रहा है? अभी जो प्राथमिक यही है कि दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हुई है, और भिड़ंत इस प्रकार से हुई है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था और अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है। घटना के और कारणों का जैसे विश्लेषण होगा, एविडेंस होगी, फॉरेंसिक एविडेंस होगी, उसके बेसिस पे निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। बिल्कुल, बहुत ही संवेदनशील और दुखद घटना है। इसमें जो भी योजनाएं हैं उस पर हम लोग करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को भी इससे अवगत करा रहे हैं।
आजमगढ़ के नवागढ़ जिलाधिकारी ने शासन की नीतियों को दी प्राथमिकता। आजमगढ़ के नवागढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सोमवार को मुख्य कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनपद को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों को धरातल पर लाकर क्रियान्वित करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं को जिनके लिए शासन से धन आवंटित हो चुका है उसे शत प्रतिशत पूर्ण करना ही सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। नवागढ़ जिलाधिकारी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं मूलतः बिहार प्रदेश के जनपद भोजपुर का रहने वाला हूं। उन्होंने कहा कि सन 1997 में मेरा चयन PCS एवं 2013 में IAS में हुआ। उन्होंने कहा कि सर्विस में आने के बाद मेरी पहली तैनाती देहरादून एवं लखनऊ रायबरेली जनपद में तथा सीतापुर में एवं अब जनपद आजमगढ़ में हुई है। आजमगढ़ में स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देना और शासन की नीतियों को धरातल पर क्रियान्वित करना यह हमारी प्राथमिकता होगी। और जो सर जो नीतियाँ रहेंगी जैसे स्वच्छ के लिए स्वच्छता को लेकर और सरकारी योजनाओं को लेकर उसको सर किस तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में और उनका अनुपालन करते हुए किया जाएगा। सर किस किस जिले में रहे हैं? मैं नौकरी की शुरुआत तो देहरादून से हुई थी, रायबरेली लखनऊ सीतापुर और अब आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने महिलाओं का किया सम्मान, बच्चों में फल का किया वितरण। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम व बच्चों में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गोरखपुर में महिला मोर्चा के सदस्यों ने बॉबिना रोड स्थित प्राइमरी स्कूल में गर्भवती महिलाओं को नारियल, फल, चुन्नी और माला पहनाकर उनकी गोद भरी, साथ ही फलों का वितरण किया। इस संबंध में महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के बम्पर वोटिंग के कारण एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और योगी आदित्यनाथ जी CM बने हैं, इसलिए महिलाओं का सम्मान बीजेपी का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी हमारे परम पूज्य महाराज जी दोबारा फिर से प्रचंड मतों से जीत करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उसी खुशी में हमारी बहनों ने उन्हें प्रचंड वोट दे करके इस बार महिलाओं का ही मुख्य भूमिका रहा है चुनाव में। तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गीता शाक्या जी द्वारा जो निर्देश हुआ है कि हम बहनों को आंगनबाड़ी सेंटर पर जा करके यहाँ की धात्री बहनों को, गर्भवती बहनों को और बच्चों को सबको सम्मानित करें और सबको पौष्टिक आहार दे करके उनका सम्मान बढ़ाएं। आज वही कार्यक्रम है, आज हम अपने गर्भवती बहनों को फल वितरण करके नारियल, कच्चा नारियल दे करके और उनको चुनरी ओढ़ा करके इनको इनके बच्चे को गर्भ में पल रहे बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बधाई दिए हैं। और हमारी आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिका बहनें हैं और बहन जी लोग हैं, हम सब बहनों को बीजेपी का पटका उठा करके इनको सम्मानित किए हैं क्योंकि इनका परम पूज्य महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में इनका अहम भूमिका रहा है। गोरखपुर महानगर स्थित गंगोत्री महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने निकाली सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। गोरखपुर के गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की NCC की छात्राओं ने मंगलवार को बेतिहाता स्थित महाविद्यालय से सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान NCC की छात्राओं ने नागरिकों को दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट के प्रयोग, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने सहित अन्य बिंदुओं पर जागरूक किया। इस संबंध में रैली का नेतृत्व कर रही NCC की केयर टेकर प्रिया श्रीवास्तव ने कहा कि जागरूकता द्वारा हो रही दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। ये हमारी सड़क सुरक्षा
के लिए हम रैली निकाल रहे हैं। जो सड़क सुरक्षा का सप्ताह मनाया जा रहा है जो 18 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक के लिए है, जिसमें हम सड़क सुरक्षा में लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी रैली निकाल रहे हैं। सड़क सुरक्षा अधिनियम ये होता है कि हम सड़क पर कैसे चलें, अपने हम ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करें, रोड कैसे क्रॉस करनी है, सड़क पर चलते समय क्या किन बातों को अपने ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हम सड़क सुरक्षा के नियम के अनुसार ध्यान में रखते हैं। ये रैली हमारी कॉलेज से शुरू होकर के गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय से शुरू होकर के प्रेमचंद पार्क तक के लिए जाएगी। हम पार्क पर खड़े होकर अपने सारे आने जाने वाले लोगों को, अपने पब्लिक को ये बताएंगे कि हम अपनी सुरक्षा सड़क पर चलते समय स्वयं कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।